अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तो मैं आ गई हूँ नई वीडियो लेके। वीडियो क्या बनानी है यार, मेरी ना जो मदर इन लॉ का ऑपरेट हुआ है, तो जो है ना वो घर में बहुत ज़्यादा जो है ना काम होता रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। वीडियोस कैसे बनाऊँ, लेकिन मैंने फिर भी सोचा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं काम ही कर रही हूँ, काम ही कर रही हूँ, बस काम ही कर रही हूँ। तो मैं ना किचन में आई हूँ, तो मैं बनाने लगी थी मक्खन। जो मलाई जो दूध के ऊपर से उतारते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जमा हुई, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी हुई थी। तो मतलब मैंने सोचा चलो उसका मक्खन बना देते हैं, ऐसा ख़राब हो जाती है फ़ायदा क्या पहन लेंगे। तो मैं आज फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ मक्खन। तो देखिए मुझसे बनता भी है कि नहीं बनता, चलिए चलते हैं देखते हैं। तो साथ साथ जो है ना वो अम्मी का खाना बना रही हूँ। उनका खाना जो है वो अलग सा है, सिर्फ उबला हुआ, उबली हुई सब्ज़ी कीमा यही उन्हें लेना है और सूखी रोटी लेनी है। तो बाकी तो सबका खाना अलग बनता है, अम्मी का अलग बनता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है, फातिमा ब्लॉग बहुत बिज़ी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे जो है अम्मी का खाना बनाऊँगी, साथ साथ मैं मक्खन बना रही हूँ। सबसे जो मुझे ना वो फीलिंग्स आ रही है मक्खन बनाने की, कि मैं एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं कैसे बनाऊँगी, मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने मतलब अपनी अम्मी को बनाते देखा है, अपनी मदर इन लॉ को बनाते देखा है, लेकिन मैंने खुद कभी नहीं बनाया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मेरे ऊपर सारे घर का बोझ मेरे कंधों के ऊपर, एक कमज़ोर लड़की के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे इसलिए मुझे आज खुद ही बनाना पड़ेगा, वो काम भी करने पड़ते हैं जो मैंने कभी किए ही नहीं है। तो अभी तो वैसे अम्मी का खाना यहाँ पे बना रही हूँ, ये बन जाएगा, इनको दूँगी, दोबारा आऊँगी और मशीन मतलब ग्राइंडर जो भी है वो ऑन करूँगी और फिर बनाऊँगी मैं मक्खन। तो जो जो अभी नहीं आया है मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं अच्छे व्लॉग बनाऊँगी यार, प्लीज़ देखो तो मज़ा आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाहती हूँ सबसे, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो ये देखिए ना खाना जो है ना अम्मी का बन चुका है यार। जो बीमार होते हैं उनका खाना भी जो है ना अल्लाह ही वारिस होता है, खाया तो जाता नहीं है, तो लेकिन खाना तो पड़ता है ना। तो ये जा रहा है मम्मी के पास, तो देख सकते हैं मैं आ गई हूँ दोबारा मक्खन के पास। और यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ, पानी जो है मैं नॉर्मली डाला, ठंडा नहीं डाला। पहले ये डालती हूँ, चेक करती हूँ आता है मक्खन के नहीं आता। मुझे कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जो देखा है बस उसके ही थ्रू मैं बना रही हूँ। कैसे बनता है वो आप सब देखें। तो ये देखें 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 देखो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए चेक करते हैं बना है कि नहीं बना। चलो चलो, ओ यार अभी तक बना नहीं है, आई थिंक इसमें मुझे ठंडा पानी डालना पड़ेगा। चलो जी, ठंडा पानी भी मिल गया है, पहले सोचा नहीं मिलेगा, बर्फ़ डाल के ठंडा करना पड़ेगा, लेकिन ये एक बॉटल पड़ी हुई थी ठंडे पानी की, तो ये मिल गया है। अब ये इसमें ऐड करती हूँ और उसके बाद चेक करती हूँ आता है कि नहीं आता। ये बस मैं एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन अब देखो क्या बनता है, मैं फेल हो जाती हूँ या पास होती हूँ, चलेगा। इकट्ठे ही देखते हैं बना है कि नहीं बना। ओ ओ ओ वाओ यार, आई एम सो हैप्पी। देखो मक्खन आ गया है, फर्स्ट टाइम मक्खन इतना ज़्यादा, यार कसम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये देखकर। यार कसम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना प्यारा लग रहा है, इतना क्यूट है मक्खन। वाओ यार, ये देखो कितना नीचे तक मक्खन ही मक्खन है। थोड़ी सी मलाई थी यार, थोड़ी सी मलाई थी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मतलब बनाया है यार, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, शुक्र है। अब बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप भी बनाएं ऐसे ही मक्खन मज़े मज़े वाला, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। तो चलिए अब मैं इजाज़त लेती हूँ, कल आऊँगी नया व्लॉग लेके आपके साथ। दुआ में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा मक्खन कैसा बना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।